And another BMW accident in the national capital. The car driven by a former MLA from Madhya Pradesh, Sunil Jain, rammed into three vehicles. In the incident, the driver of one of the cars and the scooty riders got minor injuries. Cops claim the former MLA who was driving the car is missing. A case has been registered. Uh, and my colleague Mohit is joining us live on the broadcast for more, more on this. Mohit, what more details are we picking up on this case? देखिए देर रात का ये एक्सीडेंट है जब गीता कलोनी फ्लाईओवर है बीएमडब्लू कार ने पहले एक वैगनार कार को टक्कर मारी और वैगनार कार से स्कूटी और एक किया सेलेटाउस को टक्कर लगी इसमें कुछ लोग थे जिनको माइनर इंजीनियर आई है तीन लोगों को हॉस्पिटल ले जाएगा जहां एमएलसी की गई जब गाड़ी की जांच की गई तो पता लगा कि एक्स एमएलए हैं मध्य प्रदेश के जो नब्बे के दशक में एमएलए थे वो खुद अपनी गाड़ी चला रहे थे उनकी बेटी जो है वो वहीं पास विवेक विहार में रहती है जो पेशे से एडवोकेट है गाड़ी में ड्राइवर भी मौजूद था लेकिन ड्राइवर को रास्ते नहीं पता थे इसलिए खुद जो सुनील जैन है जो एमएलए थे एक्स वो गाड़ी चला रहे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ है हालांकि

बिल्कुल देखिए बी जो एम नंबर की बी है इसने तीन गाड़ियों को टक्कर मारी थी पहले सेलेटो पहले जो वैगनर कार को टक्कर मारी थी और उसके बाद एक स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी और उसके बाद किया सेलेटोज उसमें भी टक्कर लगी थी जिसके अंदर एक फैमिली बैठी हुई थी हालांकि सबको बहुत ही मामूली चोटें आई हैं जिसके बाद उनको अस्पताल में ले जाया गया एमएलसी भी वहाँ पर हुई है लेकिन आ, सबको प्राथमिक उपचार के बाद वापस घर भेज दिया गया था तो फिलहाल जो ड्राइवर है वो मिसिंग है लेकिन पुलिस कह रही है कि वो उनके रडार में हो उनसे बातचीत है और हो सकता है कि बेहद जल्द उनको पकड़ा जा सके जी बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए